नमस्कार डूट योर सेल्फ इंस्पिरेशन में आपका एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फिर से क्रोशे वीडियो लाई हूँ। मैं आपको एक बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट करना सिखाऊंगी आज, वो भी पफ टाके के साथ, जो एक पे एक ये पफ्स है, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। वैसा ही ब्रेसलेट करना मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो ये मेरे पास है बहुत ही पतली ऊन, और मैं इसे 3.5 नंबर के सुई से बुनूंगी। तो इसके लिए ये देखिए, मैंने धागा खींच लिया, सुई पे धागा ले लिया और एक धागा बुन लिया। इसमें ही मैं अब पहला जो पफ धागा है वो आपको करना सिखाऊंगी, पफ पैटर्न। तो इसके लिए मैंने धागा लिया और इस धागे में, टाके में इस तरीके से डाल के एक धागा खींच लिया। तो मेरे सुई पे अभी 3 धागे हैं। फिर से धागा लिया, इस टाके में डाला और धागा लेके खींच लिया। अब मेरी सुई पर है 5 टाके, 5 धागे। फिर से मैंने धागा लिया, टाके में डाला और धागा खींच लिया। तो अब मेरी सुई पे 7, ये देखिए 7 धागे हो गए हैं। तो अब ये पफ पैटर्न पूरा करने के लिए मैं इस तरीके से धागा खींच लिया और उसको लॉक कर दिया। तो ये एक पफ पूरा हो गया। इसी तरीके से मैं पफ बनाते जाऊंगी और वो पैटर्न पूरा पफ का होते जाएगा। फिर से मैं एक पफ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, धागे में डालकर मैंने फिर से 3 धागे ले लिए अपनी सुई पे। फिर से धागे में डाल के अब ये 5 हो गए फिर से मेरी सुई पे। फिर से और एक धागा ले लिया टाके से और अब 7 हो गए। एक धागा लेकर और फिर अब इसको लॉक कर देना है। जी हाँ, एक और बार मैं आपको दिखाती हूँ ये 2 पफ करने के बाद तीसरा पफ कैसे किया जाता है। बहुत ही सुंदर पैटर्न होगा ये, आपको जितने चाहे उतने पफ आप कर सकते हैं। थोड़ा पहले ही थोड़ा ढीला छोड़िए, फिर धागा लीजिए, इस टाके में डालिए नीचे वाले, धागा ले लीजिए, फिर से 3 हो गए मेरी सुई पे, टाके में डालकर खींच लीजिए, 5 हो गए। फिर से धागा लेकर टाके में डालिए और फिर से ले लीजिए और 7 हो गए अब मेरी सुई पे फिर से। जी हाँ, अब मैंने इसको फिर से लॉक कर दिया। इस तरीके से आप जितने चाहे उतने पफ पैटर्न्स बना सकते हैं। आप लंबा भी बना सकते हैं, आपको अगर कुछ किसी दूसरे चीज़ के लिए चाहिए तो। तो मैं मेरे ब्रेसलेट के लिए यहाँ पे 9 धागे बनाए हैं मैंने, पैटर्न्स बनाए हैं मैंने, और फिर मैं यहाँ से उसको काट रही हूँ। तो ये भी मैं खींच लूँगी धागा ताकि यहाँ पे लॉक हो जाए। ये देखिए, अब ये जो पहले का और अंत का धागा है ये मैं ब्रेसलेट बांधने के लिए इसका इस्तेमाल करूँगी, मेरी कलाई पे बांधने के लिए इसका इस्तेमाल होगा। ये देखिए, बहुत ही प्यारा ब्रेसलेट है ये। मुझे आप बताइए, आपको ये पैटर्न कैसे लगा, आपको ये बुनाई कैसे लगी। आपके पास अगर कोई और ब्रेसलेट के पैटर्न्स है तो वो भी मुझे आप बताइए। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जी, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के साथ आते रहेंगे। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।